ओके ऑडिबिलिटी प्रॉपर है अगर ऑडिबिलिटी अगर अच्छे से आप सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो तो थम थम का इंप्रेशन बेटा इंडिकेट करेगा ऑडिबिलिटी के लिए ओके नो साउंड ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है बेटा तो थम इंप्रेशन से रिप्रेजेंट करो नहीं साउंड तो यहां से तो ओके है बेटा ऑडिबिलिटी अब देखो आप चेक करो साउंड प्रॉपर है या नहीं यहां से ओके है साउंड हाँ बेटा ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो थम इंप्रेशन से रिप्रेजेंट करो ऑडिबिलिटी अगर विजिबिलिटी बेहतर है तो थम इंप्रेशन से रिप्रेजेंट करो एवरीथिंग इज ओके हाँ बेटा ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर आ रही है ठीक है ओके 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 ठीक है स्टार्ट करते हैं ओके okay, ओके okay, स्टार्ट ठीक है तो आज बेटा हम कंप्लीट सेशन लेने वाले हैं ठीक है देखो तो इस वाले मॉक टेस्ट में मैंने कोशिश की है कि वो टॉपिक जो हमने बहुत कम रिवाइज किए उनको हमने थोड़ा ज्यादा फोकस किया है ठीक है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी ठीक है हमने ठीक ठाक लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से तीन क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हमने प्रॉपर रखा है पर एक मॉक टेस्ट और हम बनाएंगे उसमें कोशिश करेंगे हम कि बिल्कुल नीट पैटर्न से 45 फाइव क्वेश्चन मिला यहां तो खेल 45 से थोड़ा ज्यादा ही है तो प्रैक्टिस करानी है कंप्लीट इलेवंथ एंड कंप्लीट ट्वेल्थ का ठीक है तो कोशिश करेंगे एक मॉक टेस्ट और हो जाए ठीक है कंडीशन देखते हैं टाइम के हिसाब से जिसमें बिल्कुल नीट में जैसे आता है ठीक है जहां से जितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ठीक है उतने ही क्वेश्चन लेने वाले हैं ठीक है अगर सर्क्यूलेटरी से दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं तो दो से तीन क्वेश्चन ही होंगे ठीक है और जिन टॉपिक से बनते हैं वो क्वेश्चन कोशिश तो हमने हर टेस्ट में हर मॉक टेस्ट और हर प्रश्नकाल की सीरीज में यही कोशिश की है कि बेहतर 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 ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो अगेन ठीक है स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग में अगर हम लेके चलते हैं तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कंसीडर द फॉलोइंग फीचर तो जब भी क्वेश्चन मैंने बताया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन बनता है ठीक है अगर मैं हर बार बोल रहा हूं इनवर्टिव रेट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन की इनवर्टिव रेट में जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको देख लो और वर्टिव रेट में अगर हम जाते हैं तो वहां पर लैम्परे है ठीक है और अगेन जितने भी एग्जाम्पल या फीचर्स दे रखे हैं बस वो ठीक है तो तीन क्वेश्चन आपके यहां से हो जाते हैं इनवर्टिवेट में कॉक्रोच से दो से तीन क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है ठीक है टिश्यू से भी एक से दो क्वेश्चन तो आता ही आता है ठीक है तो लगभग इसी के बेस पर हमने डिजाइन किया है कंसिडर द फॉलिंग फीसर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलेटलिट्री ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं बेटा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है स्टार्टिंग में पॉरीफे में सेलुलर लेवल आगे बढ़ोगे ठीक है टिश्यू लेवल कहां तक सिलिंट्रेटर टीनोफोरा ठीक है उसके बाद आप बोलोगे ऑर्गन लेवल प्लेटी और प्लेटी की बात जितने भी थे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो सभी के अंदर देखने को मिल रहा है कॉमन एन तो करेक्टर ठीक है नेक्स्ट आ जाओ बायोलेटर सिमेट्री प्लेटी से बायोलेटरल स्टार्ट हो गई थी प्लेटी से बायोलेटर स्टार्ट हो गई ठीक है ट्रू सिलोम अब ट्रू सिलोमेट कौन से थे भाई ठीक है एसके platy, एसके देन उसके बाद यू सिलोम स्टार्ट हो गई थी ठीक है चलो सेगमेंटेशन तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड करेक्टर है सेगमेंटेशन ये हर जगह नहीं मिलता सेगमेंटेशन कहां मिलता है एनेलिडा ऑर्थोपोडा एंड तो बस अब ढूंढ लो एनिलिडा ऑर्थोपोटा पहले ही मिल गया हमें एनिलिडा ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा इसका स्पेसिफिक फीचर है सेगमेंटेशन इसके अलावा एनिलिडा ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा के अंदर ऑर्गन ऑर्गन ले, सिस्टम लेवल ऑफ यस बायोलीटर सिमेट्री तीनों में बायोलिटर होती है ठीक है यानी ट ट्रूसिलोमेट यस तीनों ही ट्रूसिलोमेट होते हैं तो यही मिल गया हमारा ठीक है फाइनली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको फिर वेरिएशन और जगह वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे एनेडा ऑर्थोपोडा अब दे दिया उन्होंने मोलस्का मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं मिलता ऑर्थोपोडा मोलस्का मोलस्का में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता एनेडा मोलस्का मोलस्का में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता तो यही एक वो फीचर है जिसने इन सबको अच्छे से डिस्टिंग कर दिया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है देखो नीट में अगर सिलेंट्रेटा से यानी क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है पॉलिप और मेड्यूसा से आप जानते हो ये तो कौन सी स्टेज हो गई ठीक है अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा ये क्या हो गया ठीक है पॉलिप तो पॉलिप मेडुसा पॉलिप मेड्यूसा अल्टरनेटिव उनकी लाइफ में आते हैं तो उनको बोलते हैं ओबिलिया फाइसेलिया ठीक है यहां ओनली ये लाइक स्टेज देखने को मिलती है ठीक है तो आप बोलोगे कहां देखने को मिलती है और जलीफिश जहां पर आपको ठीक है सिसाइल ठीक है सिलेंडर सिलेंडर का शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप समझ जाओगे ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है ठीक है आप हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर तो हाइड्रा -like तो -like भी बोल सकते हो ठीक है अडेमसिया भी बोल सकते हो ठीक है ये ओरिलिया का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ओबली और फाइसिलिया में दोनों ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ये बेसिक समझ में आ गया आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है बेटा क्वेश्चन पूछो बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाए जिससे बच्चे मतलब गड़बड़ भी कर सकते हैं क्यू इज द ठीक है सिलेंट्रेट सॉरी हां सिलेंटरेड इन विच ओनली ए इज फाउंड यानी क्यू की बात कर रहे हैं क्यू में क्या होगा ए होगा ठीक है नेक्स्ट देखो पी में ओनली बी प्रेजेंट होगा पी में ओनली बी प्रेजेंट होगा वालिन ठीक है सिलेंड्रेट आर आर के अंदर ए और बी दोनों होंगे तो अब देखो क्यूब सबसे पहले क्या पी पी में क्या होगा ओनली बी बी का मतलब है है ठीक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हाइड्रा में होता है ठीक है अडेम्सिया में होता है ठीक है हाइड्रा तो ये तो एक बिल्कुल एब्सोल्यूटी राइट है फर्स्ट वाला सेकंड देखो बी ऑप्शन क्या दे रखा है ठीक है पी हो गया क्यू क्यू ऑप्शन में ए ए मतलब ठीक है आप समझ रहे हो ना अम्ब्रेला लाइक एडेमसिया ओबेलिया Aurelia, Aurelia, Aurelia में ओनली बी देखने को मिलता है जेलीफिश देखने को मिलता है, ठीक है और ओबलिया फाइसिलिया तो आप गए ओबलिया फाइसिलिया में ए भी देखने को मिलते हैं भी, भी देखने को मिलते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा थर्ड बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं अगर हम एनसीआर देखते हैं तो सारे क्वेश्चनआर टी के हैं ठीक है अगर हम एनसीआरटी देखते हैं तो एनसीआर में एक डायग्राम दे रखा है ठीक है इनिशियल फेज में डेटा जब हम पढ़ते हैं ठीक है डेटा के अंदर इनिशियल फेज में एक डायग्राम दे रखा है इसको समझ में इसमें गलती क्या होती है गलती ये होती है कि डॉर्सल क्या होता है वेंट्रल क्या होता है कौन किसके डोरसल कौन किसके वेंट्रल यहां कंफ्यूजन होता ही है तो समझना मेरी बात ऐसे याद रखना अगर हम इन्वर्टिव रेट की बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड इन्वर्टिव रेट में भी होती है और वर्टिव रेट में भी होती है पर इन्वर्टिव रेट में नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है डबल होती है और वेंड्रल होती है जबकि वर्टिव रेट में नर्व कॉर्ड होलो होती है तो होलो स्ट्रक्चर कहां रहा है ए वाला होल वाला मिस क्या है ये नर्व कॉड ठीक है जबकि नर्व कॉड कैसी होती है होलो होती है सिंगल होती है डॉसल होती है वर्टिवरेट में ठीक है जबकि अगर नोटोकॉड की बात करते हैं ओनली प्रेजेंट इन वर्टिवरेट इन वर्टिवरेट में तो नोटोकॉड होती नहीं है तो नोटोकॉड हमेशा नर्व कॉड के वेंट्रल साइड में होती है समझ गए होगे तो ए स्ट्रक्चर क्या है ए आप समझ गए नर्व कॉड है ये ठीक है ये नर्व कॉड है नर्व कॉड है बी स्ट्रक्चर क्या है ठीक है बी स्ट्रक्चर समझिए नोटोकॉड है ठीक है ये पोस्ट एनल टेल है पोस्ट एनल टेल अच्छा सी क्या है समझ गए होगे इट इज अ फेरेंजियल गिल्सलेट्स दे रखे हैं ठीक है तो अब आइडेंटिफाई करना है आप बस कंफ्यूजन नहीं होता ए और बी के अंदर कंफ्यूजन बच्चों को होता है यही गड़बड़ कर देते हैं ठीक है नर्व कॉर्ड डॉर्सल होगी उसके वेंट्रल साइड में नोटोकॉर्ड होगी और यही नोटोकॉर्ड आगे जाकर के वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और बन जाते हैं वर्टीवरेटा ठीक है तो समझ में आ गया होगा ए नर्व नर्वकॉड ए नर्व नर्व नर्वकॉड नॉट नॉर्वकॉड तीनों में दे रखी है ठीक है आगे देखो बी नोटोकॉड 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 ये निकल गया ठीक है दो आ गए नेक्स्ट देखो सी सी दे रखा है सी 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 गिल्सलेट्स गिल्सलेट्स यहां आ गया सेकंड वाला आ गया फिर पोस्ट पोस्टेनल टेल डी एप्सोल्यूटली राइट तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ गया ठीक है सेकंड ऑप्शन समझ गए होगे आगे बढ़ते हैं इन गिविंग क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन से गलती होती है ठीक है सबसे पहले पता है को क्लासिफाई किया ठीक है बोलोगे प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा के अंदर ठीक है और प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपको पता ही है ठीक है ठीक है सेपरेट कर दिया एक्चुअल की अगर बात करें प्रोटो और यू ठीक है मैं क्लासिफिकेशन किसके बेस पर हुआ यानी कह सकते हो फाइलम कॉडेटा को क्लासिफाई किया प्रोटो और यू कॉडेटा ठीक है यू कॉडेटा कौन थे जिनको क्रेनियटा कहते हैं जिनमें क्रेनियम था ब्रेन बॉक्स था और जिनमें क्रेनियम नहीं था उनको हमने ठीक है नाम दे दिया क्या ठीक है प्रोटोकॉर्डेटा जैसे ठीक है कह सकते हो उसमें नोटोकॉड ठीक है ध्यान, ध्यान भी हो आपको ठीक है तो यहां पर भाई एक क्रेनिटा जिसके अंदर क्रेनियम नहीं है क्रेनिटा क्रेनियम है ब्रेन बॉक्स है और क्रेनिटा को फर्दर डिवाइड किया ठीक है किसमें अब इसमें यूरोडेटा भी आ जाते हैं प्रोटोकॉडेटा में यूरोडेटा तो, तो, यूरो समझ रहे ना मेरी बात यानी नोटोकॉड यूरो मतलब टेल ठीक है प्रोटोकॉडेटा में यूरोडेटा ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं इनको ठीक है ये प्रोटोकॉडेट में आ गए और यू की अगर बात करते हैं तो यू कॉडेटा समझना मेरी बात यू कॉडेटा को फर्दर डिवाइड किया है हमने किसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ जॉ आप बोलोगे किसके अंदर एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा ठीक है तो यहां पर क्या आएगा भाई जो यू कॉडेटा थे वो सही माने में वर्टिवरेटा थे यू यू कॉडेटा मतलब वर्टिवरेटा यू कॉडेटा मतलब ब्रेटा ठीक है तो एक्चुअल में जो फाइलम था वो फर्दर डिवाइड हुआ सब फाइलम में ठीक है अब सब फाइलम जो डिवाइड हुआ आगे जाकर के समझ रहे मेरी बात ये क्या हुई डिवीजन हुई या डिवीज़न हुई डिवीज़न किसमें हुआ एग नेथोस्टोमेटा ने ए मतलब एबसेंट नेथा मतलब जो यानी जो के अंदर नेथा नहीं था सॉरी नेथोस्टोमेटा नेथा मतलब जो स्टोमा मतलब माउथ कहीं भी टर्म आ जाएगा टर्मोलॉजी ध्यान रखना यानी अगर माउथ के अंदर जो नहीं है मतलब ए ठीक है ए नेथा जो यानी माउथ में जो नहीं है और नेथो नेथो स्टोमेटा स्टोमा मतलब स्टोमा मतलब माउथ स्टोमा मतलब माउथ नेथा मतलब जॉ अगर जॉ माउथ में है तो नेथोस्टोमेटा यानी फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ है वर्टिव का ऑन द बेसिस ऑफ जॉ ऐसे भी पूछ सकते हैं इनिशियल फेज में जो क्लासिफिकेशन हुआ ठीक है तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम देन ठीक है जो यू कॉर्डेटा वर्टिव थे ठीक है इनको ठीक है फर्दर डिवीजन जो की गई वो किसके बेस पे की गई आप जॉ के बेस पर फिर आगे जाकर के इस पहले सुपर क्लास बनी फिर इस क्लास बनी ठीक है अब जो सुपर क्लास बनी है किसके बेस पे बनी है बोलोगे ये बनी है ठीक है टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे पाइसिस पाइसिस के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या थे आप बोलोगे फिंस ठीक है फिंस तो फिंस को हमने अलग कर दिया जिनमें पोडा थे उनको हमने टेट्रापोडा में रख दिया ठीक है टेट्रापोडा जिनमें पोडा थे चार पोडा थे तो टेट्रापोडा में आपको समझ में आ गया होगा क्या आ जाते हैं भाई एम्फीबिया से लेकर के मेमेलिया और में कौन आ जाते हैं भाई कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश तो समझ में आ गया होगा पूरा किस किस तरीके से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो यहां पूछा है ए ए में क्या आ जाएगा यहां पर वर्टी ब्रेटा ठीक है कॉडेटा क्रेनियटा बोथ सेकेंड एंड थर्ड ठीक है वर्टिवेटा आ गया अच्छा और भी देख सकते हैं इसके अंदर देखो बोथ सेकंड एंड थर्ड क्रेनिएटा बिल्कुल सही देखो वर्टिवरेटा भी है और क्रेनिएटा भी है वर्टिवरेटा भी है और क्रेनिएटा भी है तो और बेटर क्या होगा यहां पर बेटर होगा बोथ सेकंड एंड थर्ड क्योंकि वर्टिवरेटा भी है और यहां क्रेनिएटा क्योंकि वर्टिव रेटा क्रेनिएटा के अंदर आते हैं क्रेनिएटा भी है ठीक है ठीक है तो दोनों ऑप्शन लगा दोगे पर यहां पर आएगा क्या वर्टिवरेटा आएगा पर एक्चुअल में वर्टिव रेटा क्रेनिएटा होते हैं ठीक है एक क्रेनेटा को हमने अलग कर दिया आगे बढ़ते हैं इन सबके पास क्रेनियम था ब्रेन बॉक्स था ठीक है एनसीआरटी में डायग्राम दे रखे हैं इनको आइडेंटिफाई एक्चुअल में देखने में ये क्या है समझ मेरी बात देखने में तो लगता है रेप्टीलिया, पर एक्चुअल में इंक्लूडेड इन एम्फीबिया ध्यान रखना है आपको ये एम्फीबिया में और ये तो आप समझ रहे हो ठीक है टर्टल ठीक है या इसको इसको किलो ने उसमें दे रखा है ठीक है इसको किलो ने दे रखा है एनसीआरटी के अंदर ठीक है और ये दे रखा है केमिलियॉन तो देख लो आप ठीक है सेलेमेंडर सेलेमेंडर किसमें इंक्लूडेड है एम्फीबिया ठीक है किलोन किसमें इंक्लूडेड है रेप्टिलिया और कैमिलियन कैमिलियन अगेन रेप्टिलिया पहला ही मिल गया ठीक तो है तो ध्यान रखना है सेलेमेंडर में इंक्लूडेड है ठीक है यही कंफ्यूजन वाला है मैंने बोला हर साल क्वेश्चन आता है और से, ठीक है। अक्सर कर मैं हर या जो भी टेस्ट लूंगा, उसमें इस पे question जरूर पर डिफरेंट तरीके से कि आता है ठीक ठीक है? है है, है? अब ये ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, भाई आप समझ गए में इंक्लूडेड सर्क्यूलर स्टोमा मतलब यानी जिनका सर्क्यूलर पैरासाइट थे सर्क्यूलर सकिंग माउथ ठीक है पैरासाइट ऑन लार्ज फिश ठीक है तो वो सब कौन थे आप समझ गए आ गया होगा वो सारे के सारे ठीक है साइक्लोस्टोमैट से इनके क्या माउथ में ठीक है जॉ होता है ना ठीक है इनमें जॉ नहीं होता ठीक है तो ध्यान रखना है इट इज अ मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा यस मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा ठीक है एब्सोल्यूटली राइट इट हैज सर्कुलर माउथ विद जॉ भाई जॉ नहीं था ठीक है इट इज मेंबर ऑफ कॉन्ड्रिक भाई के मेंबर नहीं थे कॉन्ड्री कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेजनस फिश में आ जाते हैं इट इट्स स्किन इज ठीक है टफ और कंटेनिंग माइन्यूट स्केल यहां स्केल्स नहीं होते ठीक है वो फिश में देखने को मिलते हैं ठीक है तो एकदम क्लियर है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फास्ट द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज ये रिपीट हुआ है मतलब डिसऑर्डर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैंने डिसऑर्डर ले लिया है ठीक है तो समझ रहे हो जब भी इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन कंफ्यूजन कहां होता है कंफ्यूजन एबनॉर्मल ठीक है और फ्रीक्वेंटली दो क्वेश्चन बनते हैं ठीक है समझना मेरी बात द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ वोबल मूवमेंट जब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है और डिसकंटिन्यूअस अगर होता है दो अलग अलग हैं एक सेम लाइन है एनसीआरटी की और यहां कंफ्यूजन होता है बोबल मूवमेंट डिसकंटिन्यूअस होते हैं बेटा और एबनॉर्मल होते हैं दोनों में अंतर है अगर एबनॉर्मल होंगे तो एकदम लूज मोशन समझ गए ना मेरी बात तो क्या हो जाएगा आपको डायरिया अगर यही डिस्कंटिन्यूस होते हैं यानी रुक रुक के बोबल मूवमेंट होते हैं मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा है एक जैसी डेफिनेशन कंफ्यूजन कहां आता है एबनॉर्मल ठीक है अगर यहीं पर ही बोलेगा कि एबनॉर्मल टर्म लगा देगा ठीक है बोबल मूवमेंट एबनॉर्मल हो रहे हैं बेटा और बोबल मूवमेंट ठीक है कह सकते हो कि रुक रुक के हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली ना होकर के ठीक है डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं तो बात किसी कर रहा है वो वो बात कर रहा है ठीक है कॉन्स्टिपेशन की और यहां बात किसकी कर रहा है डायरिया की कर रहा है बस ये ध्यान रखना है आपको सॉरी डिसेंट्री लगा दिया मैंने कोई नहीं डायरिया कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जॉन्डिस नहीं होगा ठीक है नंबर टू डायरिया नेक्स्ट द मेन चैलेंज ऑफ ठीक है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द रिकॉमेंट इन टेक्नोलॉजी वाज़ गेटिंग इंसुलिन इन टू मेन चैलेंज क्या था एलि कंपनी ठीक है जिसने इस आर्टिफिशियल इंसुलिन या हिमुल को बनाया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डाइसल्फाइड बोन का यही एनसीआरटी की लाइन है डाइसल्फाइड बोन स्टेबिल करना मेन चैलेंज उसके पास डाइसल्फाइड बोन का चैलेंज था ठीक है नेक्स्ट एट लेवल ऑफ ठीक है द द्रेकिया डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन का आपको पता है ना भाई ट्रेकिया आगे डिवाइड करती है और डिवाइड करके लेफ्ट एंड राइट ब्रॉन में डिवाइड कर जाती है कहां से टी फाइव रीजन टी का मतलब है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिकल कॉलम से लेफ्ट और राइट right में बाइफर्केट करती है ठीक है टी फाइव रीजन बोलते हैं फिफ्थ थोरेसिक ठीक है तो फिफ्थ सर्वाइकल ना फिफ्थ यस ये तो कह रॉन्ग हो गए ठीक है नेक्स्ट ये देखो एक बड़ा भी भी होता है 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 बच्चों को उसके arrangement पर भी question बनता है। कर बनता अक्सर मैंने बताया मैं मैं सारे arrangement आपको बताया मैं आपको था कि maximum अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की तो मैक्सिमम क्या होते हैं मिलियंस में होते हैं 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू उसके बाद नंबर सेकंड पर कौन आएगा नंबर सेकंड पर आएगा प्लेटिलाइट अगर हम प्लेटिलइट की बात करते हैं तो किसमें होते हैं लैक्स में होते हैं ठीक है 1.5 से लगभग 3.5 के बीच में इतने लैक्स होते हैं पर एमएम अगर हम उसके बात करते हैं डब्ल्यू तो डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होते हैं एनसीआरटी में लिखा हुआ है आपको पता ही है है थाउजेंड के आसपास यानी से लेकर एट 8000 के बीच में पर एमएम क्यू डब्लू डब्ल्यू होते हैं अब डब्ल्यू में भी सिक्वेंस पूछेगा तो मैक्सिमम कौन होंगे भाई मैक्सिमम तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कभी भूलेगा नहीं बच्चा और मिनिमम मैक्सिमम कभी नहीं भूलता मैक्सिमम न्यूट्रोफिल्स और मिनिमम एलर्जिक यानी कह सकते हो इन्फ्लामेटरी यानी कह सकते हो आप यहां पर बैसोफिल्स की बात चल रही है ये मिनिमम होते हैं अब कंफ्यूजन कहां होता है कंफ्यूजन मोनोसाइट ठीक है किसमें कंफ्यूजन होगा मोनोसाइट में होगा ठीक है पर कौन आएंगे पार्टिसिपेट आएंगे, आएंगे. तो है, है, करते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट के आसपास जो होते हैं वो लिंफोसाइट होते हैं फिर मोनोसाइट होते हैं लगभग टेन टू फिफ्टीन परसेंट के आसपास मान लो मोनोसाइट होते हैं और मोनोसाइट के बाद आते हैं इओसिनोफिल्स और लास्ट में आते हैं समझ गए बैसोफेस ठीक है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंसेंट्रेशन इन ब्लड ठीक है तो सबसे सबसे पहले करना है सबसे high amount, समझ में तो आई गया ना भाई सबसे ज्यादा कौन होंगे किया डी तो मैक्सिमम क्या होगा हाई से लो ठीक है ठीक है सारी देख लेते हैं बेसोफिल दे रखा है ब्लड ग्रुप ए अच्छा ए बेसोफिल बी इनोफिल्स सी न्यूट्रोफिल्स डी मोनोसाइट अच्छा इस तरीके से दिया है ओके 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 ठीक है फटाफट देखो ठीक है अगर हम बात करते हैं ऑर्डर में सबसे पहले क्या दे रखा है ए ए तो दे रखे बेसोफिल्स बी दे रखे सी दे रखे न्यूट्रोफिल्स डी दे रखे मोनोसाइड्स और ई e दे रखे हैं अब कर दो, ठीक है? सबसे पहले बात कर रहे हैं सी सी तीनों के अंदर टू नंबर टू आएंगे इसके अंदर लिम्फोसाइड ई e, e कहा रखा ई e, दोनों के अंदर दे रखा है ठीक है आगे बढ़ जाओ इसके बाद कौन आएंगे भाई इसके बाद आएंगे मोनोसाइड मोनोसाइड डी डी दे, दे रखा है डी यहां दे रखा है ठीक है फिर क्या आएगा बी बी क्या बेसोफिल्स आप गए बेसोफिल्स ना बीसुन यानी बी आएगा ठीक e, है और फिर ए आएगा बेसोफेस ओके ठीक है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा रिड्यूजिंग ऑर्डर रिड्यूजिंग ऑर्डर पूछा है तो आप निकाल पाओगे इजीली ठीक है तरीका मैंने बताई दिया आपको अच्छा अगर टिश्यू देखती है तो टिश्यू में जंक्शन से क्वेश्चन बनने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है जंक्शन ठीक है अब जंक्शन की बात चलती है तो आपको मेनली थ्री टाइप के जंक्शन दे रखे हैं टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन और ठीक है गैप जंक्शन गैप जंक्शन फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ ठीक है आइंस ठीक है स्मॉल प्रोटीन स्मॉल प्रोटीन समटाइम लार्ज प्रोटीन ठीक है लार्ज सब्सटेंस ये उस गैप जंक्शन से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं टाइट जंक्शन लीकेजिंग को रोकने का काम करते हैं ठीक है एडहरिंग जंक्शन सीमेंटिंग की तरह काम करते हैं ठीक है दो को टाइटली पैक्ड कर देते हैं बांधने का काम करते हैं सीमेंटिंग का काम करते हैं अब मैच करा लो ठीक है टाइट जंक्शन ज्वाइन एपिथिलियल सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन भाई एपिथिलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम तो हैमी डेस्मोजोम्स करते हैं ठीक है टाइट जंक्शन ठीक है परफॉर्म सीमेंटिंग सीमेंटिंग की तरह काम कौन कर रहे हैं टू कीप नाइबरिंग सेल टूगेदर ठीक है ये तो सेल का काम हो गया ठीक है टाइट जंक्शन का काम करें स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू एपल्यूटली राइट ठीक है अब गैप जंक्शन द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म ठीक है तो ये मैचिंग आप कर पाओगे इजीली ठीक है तो समझ में आ गया होगा भाई टाइट जंक्शन का थर्ड दे रखा है भाई थर्ड कहां दे रखा है यहां तो देखो एक बार में सॉल्व हो गया ठीक है सेकंड एक बार मैच कर लो एडहरिंग जंक्शन का सेकंड दे रखा है सेकंड है ठीक है गैप जंक्शन का फोर्थ दे रखा है ठीक है और हेमी डैस में फास्ट एप्सोल्यूटली राइट तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके केस में इसके में सेकंड ऑप्शन आएगा यहां पर ठीक है आगे बढ़ो ये एक डायग्राम दे रखे हैं तो दो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने ठीक है एक तो समझना जब ग्लैंड्स पढ़ते हो लास्ट में एक मल्टी एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का दे रखा है और यूनी सेलर का दे रखा है जब भी हम बात करेंगे इस टाइप के डायग्राम की ये मल्टी सेलुलर का दिखा रहा है और एक डायग्राम और दे रखा है कॉल्यूमिनार का वो यूनी सेलुलर का है तो हमारे बॉडी में मोस्टली सेल मल्टी सेलुलर होते हैं इस टाइप के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं बट अगर वो कॉल्यूमार वाला डायग्राम आ जाए तो यूनिसेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन गोबलेट सेल एनसीआर ने एक एग्जाम्पल दे रखा है गोबलेट सेल पर एक बार आउट ऑफ एनसीआरटी भी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है ध्यान हो आपको ठीक है कहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनिस सेल पैनिस सेल जो लाइसोजाइम रिलीज करते हैं एंटीबैक्टेरियल ऑल्सो यूनी सेलूलर तो अभी तो एनसीआरटी के हिसाब से देखोगे तो यहां पर क्या आएगा भाई फाइंड द इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट भाई सलाइवा यही होता है टीयर्स यही होता है स्वेट यही होता है म्यूकस यूनि सेलुलर म्यूकस में ये डायग्राम फॉलो नहीं होता के केस में तो ऑप्शन क्या आ जाएगा क्योंकि म्यूकोसलैंड यूनि सेलुलर यूनि सेल्यूलर जब डायग्राम किसको दिखा रहा है मल्टी सेलुलर चलो समझ में आ गया होगा फोर्थ ऑप्शन आगे बढ़ते हैं फटाफट आगे बढ़ते हैं देखो अगर हम देखते हैं स्केलडल सिस्टम का डायग्राम तो एक एनसीआरटी में क्रीनियम का डायग्राम दे रखा है इस पर कभी कभी पूछ लेते हैं ठीक है भाई ये तो फ्रंटल है समझ में आ गया होगा फ्रंटल ये पराइटल है ठीक है यहां पर ईयर होता है टेम्पोरल है टेम्पोरल ठीक है फ्रंटल पराइटल टेम्पोरल ऑसीपिटल ठीक है, फिर नीचे बढ़ जाओ फिर इन्होंने दे रखा है ये देखो ये स्फिनोइड ठीक है ये जो आंखों के अंदर देखेगी एथेमोइड एथेमोइड ठीक है बोन, ठीक है चलो चलो इसी से मैचिंग हो जाएगी अब आ जाओ सबसे पहले क्या दे रखा है उन्होंने अच्छा ऑप्शन एबीसी एबीसीडी ओके okay, अरेंज कर दिए ए के अंदर क्या आने वाला है ए के अंदर आने वाला है पर राइटल बोन ए के अंदर आने वाला पर्यटन पर्यटन कहां दे रखी है इसके अंदर पर राइटल पर्यटन दे रखी है यानी ए के अंदर आएगा ठीक है पर राइटल इसमें कहीं ऑप्शन आ रहा है आ रहा है देखो दो जगह ऑप्शन आ रहे हैं पर्यटन के ठीक है आगे चलो बी में देखो बी क्या दे रखा है बी टैम पोरल टेम्पोरल कहां दे रखा है टेम्पोरल टेम ठीक है फिफ्थ ऑप्शन देखो कहां आ रहा है यहां आ रहा है क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया पर फिर भी चेक कर लेते हैं सी सी ऑप्शन कहां आ रहा है सी के अंदर देखो सी क्या दे रखा है सी ठीक है सी यहां देखो कहां है सी ठीक है ऑसिपिटल तो नहीं है सी ठीक है उन्होंने इसको आगे खींच दिया नहीं 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 ठीक है डी क्या दे रखा है उन्होंने डी एथेमोइड डी एथेमोइड एथेमोइड ठीक है हां चलो ठीक है ये भी मिल गया अगर ई e क्या दे रखा है ई ई ऑप्शन में देखो ई e, डी अच्छा ई e, दे नहीं रखा अच्छा ई e दे रखा है हाँड, हाँड की दे रखा है इन्होंने हाईोड सेकंड ऑप्शन है ओके मिल गया मैच ही कर गया ये वाला ठीक है अब ठीक है जहां तक है जो भी है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द प्लाजमेट बहुत ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है द प्लाजमेट पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू कंटेन ठीक है रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर अब इतना पता है कि पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू में कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट थे ठीक है एम्पसलीन में दो थे टेट्रासाइक्लिन में दो थे ठीक है कुछ बाहर थे इनके और कुछ आरोपी के रोप के अंदर थे कुछ ओ आर आई के अंदर भी दिखा रखे थे उन्होंने ठीक है तो अच्छा ये क्वेश्चन तो कुछ टेट्रा ठीक है रोप हाँ ठीक है पूछना क्या चाह रहे हैं ये पूछना चाह रहे हैं जो रोप है वो किसको कोड करती है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिल की ही ठीक है रिस्ट्रिक्शन साइड याद करनी है मैंने कहा सारी रिस्ट्रिक्शन साइड याद करनी है टेट्रासाइक्लिन में कौन होता है एम्पेसिले में कौन होता है आउट ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कौन होता है रोप में कौन होता है रोप में पीवीयू सेकंड पीवीयू सेकंड पीवीयू फर्स्ट कहां होता है एम्पिसिन के अंदर पीवीयू सेकंड कहां होता है रोप के अंदर ठीक है तो एनसीआर में नीचे डायग्राम के नीचे दे भी रखा है जो पीवीयू ठीक है जो रोप होता है बेटा ठीक है रोप क्या है ये प्रोटीन वो प्रोटीन बनाता है जो रेप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है प्लाज्मेट की रेप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें पीवीयू सेकंड प्रेजेंट होता है बस ये ध्यान रखना है आपको इसलिए ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि वही याद रखना है इनके भी सेलेक्टेबल मतलब इन, इनके भी रिस्ट्रिक्शन साइड याद रखने हैं तो रोप का क्लियर था आपको आगे बढ़ते म्यूल इज <coughs> अब एनसीआरटी में जब आप देखोगे ठीक है स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसमें एक म्यूल का डायग्राम छाप रखा है ठीक है और ये भी पता है कि म्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है ऑलवेज मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस कराओगे तो क्या होगा म्यूल का फॉर्मेशन होगा ठीक है तो इस टाइप के क्रॉस को हम बोलते क्या है ठीक है इनब्रीडिंग इंटर इन और आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग का मतलब है एक ही स्पेसीज मैं एक ही ब्रीड के मेंबर में जो एक ही लाइनेज को बिलोंग करते हैं उनके बीच में क्रॉस कराओगे इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग प्योर लाइन को मेंटेन करता है होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करता है पर एक डिप्रेशन भी होता है इनब्रीडिंग में क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी होमोजाइगोसिटी बढ़ने से फोर टू सिक्स जनरेशन के बाद ठीक है रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाते हैं ठीक है थीके? इसको ब्रेक करने के लिए क्या कराना होगा आउटब्रीडिंग कराना पड़ेगी आउटब्रीडिंग में क्या क्या चीजें होती है आउट ब्रीडिंग में ठीक है मैंने बताया एक तो होती है ठीक है आउटक्रॉसिंग ए क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक इंटर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ठीक है अगर मेरी बात समझ रहे हो इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं हैं तो यहां हमने बताया था भाई जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, उनके बीच में अगर कर क्रॉस कराओगे ठीक है तो कह सकते हो फर्टाइल तो नहीं होगा क्योंकि म्यूल कैसा होता है स्टिराइल होता है ठीक है और नेचुरल भी नहीं होता ये कराया जाता है ह्यूमन मेड कह सकते हो ह्यूमन के थ्रू तो कराया जा रहा है नेचुरल समझ रहे मैकेनिज्म नहीं है तो यहां पर हम म्यूल को जनरेट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए ठीक है तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आगे बढ़ते हैं तेजी से नंबर ऑफ देखो क्वेश्चन है है ध्यान रखना आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेकिया की ओपनिंग को स्पायर बोलते हैं ठीक है टोटल टेन पेयर स्पायकल्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पारिकल्स नंबर ऑफ स्पारिकल्स कितने होते हैं नंबर ऑफ स्पारिकल्स टेन पेयर्स जिसमें ध्यान रखना है आपको एट पेयर्स कहां होते हैं और टू पेयर्स कहा होते हैं एट पेयर प्रेजेंट इन थॉर एक्स सॉरी एट पेयर प्रेजेंट इन एबिन एंड टू पेयर प्रेजेंट इन थॉर एक्स यानी टोटल कितने हो गए टेन पेयर क्वेश्चन इस पर आता है अच्छा इन्होंने पेयर में नहीं लिखा नंबर ऑफ स्पारिकल्स इन ठीक है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना एज टेन ट्वेंटी ध्यान रखना है पेयर नहीं लिखा उन्होंने ठीक है जो जन में खींचे ना ऐसी यही चीज हो जाती है आपको यही ध्यान रखना है आपको पेयर दे रखा ही नहीं दे रखा पेयर में नहीं दे रखा तो यहां दे रखा है उन्होंने नंबर में और नंबर जब भी आएगा तो ध्यान क्या रखना है आपको पूरा फोकस करना है ट्वेंटी यानी टेन पेयर ये ध्यान रखना है आपको ठीक है नेक्स्ट आ जाओ एक्सटर्नल जनाइटेलियन कॉक्रोच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इरेगुलर काइटिनियस प्लेट ठीक है एनसीआरटी की लाइन है और उसमें गलतियां भी होती हैं भाई अगर देखोगे जेंटल चैम्बर जनरल चैम्बर का फॉर्मेशन काइटिनियस प्लेट के अरेंजमेंट से होता है इसको बोलते हैं है फेलोमियर्स 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 लाइन तो इज अ काइटिनियस प्लेट फॉर्म मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर जनरटल चैम्बर होता है ठीक है और फेलोमियर का इन काइटिनियस प्लेट के अरेंजमेंट से बनता है इन काइटिनियस प्लेट को हम फेलोमियर्स बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट जैसे मेल कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है उन्होंने ठीक है तो ये समझ रहे हो आपको टेस्टीज ए टेस्टीज है जो वन पेयर होते हैं टेस्टीज वन पेयर होते हैं ये आप समझ रहे समझ रहे हो, हो गए ठीक है फैलिक ग्लैंड भी बोल सकते हो कौन गोब्लिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं उनको ठीक है जो एक तरीके से कह सकते हो जो फोर की सबसे आउटर लेयर बनाने का काम करते हैं ठीक है ये इजैक्यूलेट क्या नाम है वास डिफरेंस हो गई और ये डी इजेक्यूलेटी डक हो गई ठीक है पूछा क्या है उन्होंने द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन इन गिविंग फिगर ठीक है ए बी सी डी इज सोन ठीक है आइडेंटिफाई विस सीक्रेट थर्ड लेयर ऑन स्पर्म मेटोफोर मेटोफोर पर मेटो की थर्ड लेयर कौन बनाता है अब ध्यान हो आपको से स्पम जाते हैं कहां डिफरेंस के थो? आप बोलोगे मशरूम ग्लैंड में तो लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होते हैं इसकी जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होते हैं ठीक है वो एक सिंगल लेयर वाला पैकेट बनाते हैं जिसमें स्पम फिल हो जाते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल का काम हो गया शॉर्ट ट्यूब्यूल का काम करते हैं शॉर्ट ट्यूब्यूल इसमें नरिशमेंट फिल कर देते हैं सिंगल लेयर में नरिशमेंट आ गए

यही फैलिक ग्लैंड इसके ऊपर एक लेयर और बनाते हैं तो थर्ड लेयर होती है तो थर्ड लेयर कौन बना रहा है यहां पर थर्ड लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर थर्ड लेयर जो इन्होंने पूछा है बी वाला जो पार्ट है वो थर्ड लेयर फैलिक ग्लैंड या कौन गोबलेट ग्लैंड भी बोल सकते हो इसको ठीक है फैलिक या कौन गोबलेट ग्लैंड तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन आ जाएगा यहां पर बी अच्छा बी कहां दे रखा है उन्होंने बी सेकेंड के अंदर दे रखा है सेकेंड के अंदर बी नेक्स्ट वर्ट वुड अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है वुड मतलब आपको कार्डिक साइकिल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ठीक है देखो तो क्वेश्चन दो जगह बन सकते हैं एक तो कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन बनता है एक बनता है हार्डी इक्वेशन से क्वेश्चन क्वेश्चन बेस पर जो बनते हैं ठीक है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले होते हैं तो दो जगह आप क्वेश्चन बनने की प्रॉबिबिलिटी ध्यान रखना जैसे आपको कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कार्डिक आउटपुट रिजल्ट टू होता क्या है हार्ट बीट रेट ठीक है हार्ट बीट रेट इंटू ठीक है, स्ट्रॉक वॉल्यूम यह हम बता चुके हैं आपको ठीक है अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है पूछा है the cardiac output, cardiac output दे है, इन्होंने इन्होंने, पूछा दे दे रखा रखा कितना या ऐसे भी कह सकते हो फाइव थाउजेंड एमएल ठीक है ब्लड वॉल्यूम इन देंट्रिक वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डाइस्टोल एंड ऑफ डाइस्टोल जो ब्लड बच रहा है वो कितना है हंड्रेड एम एल एंड एंड ठीक है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और सिस्टोल बच रहा है फिफ्टी है यानी ई एस वी और ई डी वी दे रखे हैं भाई ई डी वी कितना है हंड्रेड एम एल ई एस वी कितना है फिफ्टी एम एल अब पूछा क्या इन्होंने ठीक है पूछना चाह रहे हैं वो हार्ट बीट रेट भाई हार्ट रेट ऑफ पर्सन क्या होगी तो फॉर्मूला आप जानते हो हार्ट बीट रेट पूछ रहे हैं ठीक है हाँ स्ट्रॉक वॉल्यूम नहीं दे रखा कार्टिक आउटपुट दे रखा है तो स्टॉक वॉल्यूम निकाल सकते हो ना आप स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई ईडीवी माइनस ईएसवी तो स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू ईडीवी माइनस ईएसवी भाई 100 में 50 गए 50 बचे ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपको आ गया कार्डिक आउटपुट दे रखा है तो तो अब हार्ट बीट रेट निकाला जा सकता है ना हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम हंड्रेड है मतलब हंड्रेड टाइम पर मिनट ये हार्ट बीट रेट आ गई हार्ट बीट रेट कितनी आ गई हंड्रेड एक मिनट के अंदर कितने बार पंप कर रहा है हार्ट बीट रेट कितनी आ गई हंड्रेड आ गई नॉर्मल सेवेंटी टू होती है हंड्रेड आ गई ठीक है हंड्रेड बीट पर मिनट तो हंड्रेड दे रखा है दे रखा है हंड्रेड बीट पर मिनट थर्ड ऑप्शन ठीक है चलो आगे ठीक है अगर हार्ट का डायग्राम देखो ईसीजी से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है ठीक है ईसीजी का डायग्राम आपको पता है वेव किसको रिप्रेजेंट करती है एट्रियल ठीक है कह सकते हो कि एस से नोड में एक्शन पोटेंशियल को और

कंप्लीट पल्स बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन है कि अगर आपको किसी भी इंसान की हार्ट बीट रेट या समझ रहे हार्ट बीट रेट का मतलब सिंगल पल्स सेकंड एक मिनट में कितने बार पल्स हो रहे हैं कितने ठीक है तो आप समझ रहे वो आपकी हार्ट बीट रेट हो गई तो कैसे काउंट करोगे एक मिनट में जितने पी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहे हैं उस ईसीजी के अंदर वो क्या हो गया उसकी टोटल पल्स हो गए एक मिनट में या कह सकते उसकी हार्ट बीट हो गई एक मिनट के अंदर यह एनसीआरटी की लाइन ही है एप्सोल्यूटली राइट right. आगे देखो पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियर कॉन्ट्रैक्शन गलत ठीक है तो ऑप्शन क्या आएगा ओनली सिंगल ऑप्शन राइट है इस डायग्राम से रिलेटेड सी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं इफ कार्डिक सप्लाई ऑफ वेगस नर्व इज कट मैंने बताया था कि अगर हम हार्ट की बात करते हैं हार्ट की बात करते हैं समझना तो हार्ट में पेसमेकर पेस सेटर ठीक है पेसमेकर से आपको पता है ठीक है कह सकते हो पैरासिंपेथेटिक और सिंपेथेटिक दोनों ही जुड़े होते हैं और पैरासिंपेथेटिक में आती है कम करके रखती है मतलब बढ़ाती है एक्चुअल में ये कब इंक्रीज होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी भाई सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी काम करता है नॉर्मल केस में पैरासिंपैथेटिक काम करता है सप्रेस करके रखती है हार्ट बीट रेट को कम करके रखती है नॉर्मल हार्ट बीट रेट समझना मतलब कार्डियक अगर मैं बात करता हूं पेसमेकर की कैपेसिटी 100 इंपल्स पर मिनट जनरेट कर लेता है पेस मेकर पर करता कितना है आप भाई कम कर रहा है क्यों क्योंकि हर समय हैंड ब्रेक लगा हुआ है हैंड ब्रेक कौन लगा के रखा है यहां पर आप बोलोगे हैंड ब्रेक लगाने वाला यहां पर है पैरासिपेटिक नर्वस सिस्टम ऑलवेज ये वेगस नर्व ठीक है ऑलवेज ये वेगस नर्व हैंड ब्रेक लगा के रखती है एसिटाइल एसीटाइलोलिन को रिलीज करके ठीक है तो क्या करती है हैंड ब्रेक लगा के रखती है और हार्ट बीट रेट को सप्रेस करके रखती है अगर इसको हटा दिया जाए काट दिया जाए तो हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी ठीक है रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज भाई कट कर दोगे तो रेट ऑफ हार्ट बीट क्या हो जाएगी बेटा इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीज गलत देयर इज नो चेंज गलत हार्ट स्टॉप बीटिंग गलत ठीक है नेक्स्ट इन ब्लास्टोस फिटैलिस तो पता होना चाहिए इलास्टोसिस कंडीशन कब आती है जब मदर मदर कैसी हो आर एस फीटस कैसा हो आर एस पॉजिटिव तब फर्स्ट फीटस के केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी बट उसके बाद सारे फीटस इरेथ्रो यानी फिटैलिस शो करेंगे अगर ट्रीटमेंट फर्स्ट केस में प्रिवेंशन नहीं लिया गया तो आप समझ रहे ना मेरी बात तो इन इरेस्टोटिस कंडीशन ए फॉर्म द मदर कैन लीक इंटू द ब्लड ऑफ फिटस ठीक है दिस कैन बी एवॉडेड बाय भाई आपको बताया मदर से फिटस के ब्लड में क्या लीक कर जाता है ठीक है मदर कैन लीक इंटू द ब्लड ऑफ फिटस ठीक है आप समझ गए हो गए एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडी लीक कर जाते हैं आर एच एंटीजन ना आर एच एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडी एंटी आर एच एंटीबॉडी नाम तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो एंटी एंटीआरएच एंटीबॉडी रोगम एंटीबॉडी भी बोलते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी समझ रहे हो ना मेरी बात इट इज ऑल्सो कॉल रोगम एंटीबॉडी ठीक है तो ऑप्शन क्या जाएगा यहां पर थर्ड वो भी कब यूज करोगे इन केस ऑफ फर्स्ट जब फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस होगा तब आप इन एंटीबॉडी को यूज करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी को नॉर्मल कर सकते हो पूरा मैकेनिज्म बताया था मैंने ठीक है थ्योरी के अंदर नेक्स्ट ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ठीक है इवेंट अकरिंग इन ब्लड क्लॉटिंग इवेंट भाई ब्लड क्लॉटिंग भी, भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इस पर इवेंट ध्यान रखना है आपको सबसे पहले मैंने बताया था अगर टिश्यू में इंजरी होगी तो इंजर्ड टिश्यू थ्रोमोप्लास्टिन रिलीज करेंगे ठीक है जो क्या काम करेगा प्लेटिलेट्स के अक्यूलेन को स्टूमुलेट करेंगे प्लेटिलेट्स होंगे उनमें भी थ्रोमोप्लास्टिन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे ठीक है ये सब कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेंगे ठीक है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स समझना मेरी बात क्या काम करेगा ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स ब्लड में मिलने वाली प्रोथोमिन को थ्रोमिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोमिन एक्टिवेट होते ही ठीक है फिब्रीनोजन जो फाइबर सोल्युबल फाइबर में कन्वर्ट करेगा और एक नेटवर्क बन जाएगा जिसमें अदर सबिस्टेंस धीरे धीरे डिपोजिट होंगे वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट अकिंग इन ब्लड क्लॉटिंग कन्वर्जन ऑफ फिब्रीनोजन टू फेब्रीन ठीक है जो तो लास्ट ऑर्डर हो गया लास्ट सिक्वेंस हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और लास्ट हो गया थ्रोम्बो प्लास्टिन फॉर्मेशन ठीक है थ्रोम्बो प्लास्टिन फॉर्मेशन

फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में लास्ट में दो वैल्यू दे रखे हैं एक ग्रॉस वैल्यू ऑफ कैलोरिक फूड ठीक है और एक ठीक है कह सकते हो फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो आप फूड इंटेक करते हो जो बॉडी के अंदर जनरेट होती है वो ग्रॉस वो वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस वैल्यू जब आप कैलोरी मीटर में आप एक ग्राम ग्लूकोज को डालोगे उसका बर्न होगा और बर्न होकर के जो एग्जैक्ट बिल्कुल में एग्जैक्ट निकल के आती है वो क्या हो हो। कार्बोहाइड्रेट की, तो की, की बात करते हैं तो फाइव किलो कैलोरी पर ग्राम के आसपास होती है और अगर फैट की बात करते हैं तो 9.45 किलो कैलोरी के आसपास होती है और यही अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करता हूं तो प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की फोर किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की नाइन किलो कैलोरी पर ग्राम ये दोनों वैल्यू ध्यान रखनी है आपको ठीक है ये एक एडिशनल पॉइंट में ठीक है ये एनसीईआरटी ने थोड़ा अपडेट किया है और एक दो डिसऑर्डर दे रखे थे तो पीछे वो आगे कर हैं मरासमस ए क्वाशरकोर क्वाशरकोर ड्यू टू तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन मरासमस ड्यू टू तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ठीक है एंड

वही, सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट देख लेना क्या कार्बोहाइड्रेट फोर पॉइंट वन ठीक है प्रोटीन की बात कर रहे हैं फाइव पॉइंट सिक्स फाइव और फैट की बात कर रहे हैं नाइन पॉइंट फाइव किलो कैलोरी पर ग्राम लास्ट में मॉक टेस्ट में बताया भी था मैंने ठीक है कैसे राम श्याम कहेंगे वो डाइट इनटेक कर रहा है डाइट में प्रोटीन ले रहा है कार्बोहाइड्रेट ले रहा है फैट ले रहा है तो कितने ग्राम लिया उसका उसमें टू कर दोगे ठीक है तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली 300 हंड्रेड किलो कर, निकला था गलती से मुझे फोर हंड्रेड लिख गया था उसके अंदर ठीक है तो वही वैसा एक क्वेश्चन बन सकता है या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मैंने मतलब डिफरेंट क्वेश्चन की वराइटीज रख दी है यानी ऐसे या ऐसे दोनों तरीके से पूछ सकता है ठीक है कंसीडर था हा अब एनसीईआरटी का जो पहला पैरा है स्टार्टिंग जो होती है वहां दे रखा है मैंने थ्योरी में लास्ट में लिखा है इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है ठीक है भाई आपकी डाइट में दो टाइप के फूड होते हैं एक माइक्रो और एक मैक्रो जो माइक्रो होते हैं ठीक है लाइक विटामिन मिनरल्स और माइक्रो जो होते हैं ठीक है वो होते हैं फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं अब इनको बोलते क्या है जो माइक्रो न्यूट्रींट्स होते हैं ठीक है इनको प्रोटेक्टिव ठीक है प्रिंसिपल्स बोल सकते हो उनको प्रोक्सीमेट बोलते हैं प्रोटेक्टिव एंड प्रोक्सीमेट माइक्रो प्रोटेक्टिव और माइक्रो प्रोक्सीमेट फॉर एनर्जी

उसके अंदर बेहतरीन वाइटाम और मिनरल का सोर्स होता है इसलिए ऑयल के वो भी आते हैं ठीक है टैबलेट्स भी आते हैं जिसमें आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी के टाइम पर लेते हो ठीक है तो ये बिल्कुल सही है प्रोवाइड right. yes, नहीं कराते बट आपको ठीक है आपके इम्यून सिस्टम को हैं मिनरल्स होते हैं ठीक है तो बोथ आर करेक्ट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट नेक्स्ट इन्ार्जमेंट ऑफ रेक्टल बेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि अगर रेक्टल बेन का इनलार्ज रेक्टम है और रेक्टम के अंदर रेक्टल बेन का इनलार्जमेंट होता है ठीक है कब होता है जब आपको लंबे समय से प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है जब प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी समझना मेरी बात कुलॉन में क्या है फीकल मैटर चिपका हुआ है वो आगे मूव नहीं कर रहा मीन आपको धीरे 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 क्या होगा कॉन्स्टिपेशन के ठीक है आप शिकार हो जाओगे और कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो आप प्रेशर लगाओगे तो फीकल मैटर बाहर नहीं आएगा पर कुछ और बाहर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा रेक्टल वेन और जब रेक्टल वेन बाहर आते हैं तो जिस दिन फीकल मैटर बाहर आएगा तो उनको ब्रेक करता हुआ आएगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होगी इसको क्या बोलते हैं हेमोरॉयड ही मतलब ब्लड हेमोराइड यानी ब्लीडिंग होना फीकल मैटर के साथ ब्लीडिंग होना hemorrhoid. ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है समझना इलाजमेंट

डाइजेशन से दो क्वेश्चन बनते हैं एक टीथ से बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से हर साल लगभग क्वेश्चन बन रहा है है और एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ठीक है। अब टीथ में डायग्राम दे रखा है NCRT ने कि आप समझते हो स्टार्टिंग में क्या है इंसिसर, फिर क्या है फिर क्या है प्रीमोलर फिर क्या है मोलर तो ये क्या हो गया सबसे पहले आप बात करेंगे भी आ, भी इधर भी होगा इधर भी होगा ठीक है इनसेसर फिर क्या हो गया इनसेसर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं कैनाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रीमोलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है क्लियर था बिल्कुल तो है, है? तो तो पहला वाला क्या हो गया पहला दूसरा इंसिसर तीसरा कैनाइन शार्प टीथ होता है टीयरिंग टीथ फिर ये ग्राइंडिंग टीथ होते हैं और मोलर थ्री होते हैं थर्ड मोलर विजडम टीथ ठीक है तो फोर एंड फाइव ठीक है चलो अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां है इफ द ऑक्सेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक लैंड बिकम नॉन फंक्शनल मान लो आपको पता है गैस्ट्रिक लैंड के अंदर गैस्ट्रिक लैंड के अंदर ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं ठीक है इनको आप ठीक है ऑक्सेंटिक सेल भी बोल सकते हो ठीक है या इनको आप ठीक है टर्म यूज कर सकते हो ऑक्सेंटिक या प्राइटल सेल भी टर्म यूज कर सकते हो ठीक है ये ऑक्सेंटिक सेल करते क्या है ये दो काम करते हैं एचसीएल रिलीज करते हैं इंटरेंस एक फैक्टर कैस्टिल फैक्टर कैस्टिल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्ब विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है और विटामिन बी ट्वेल्व नहीं अगर एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन बी ट्वेल्व क्या करता है विटामिन बी ट्वेल्व रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी इमेच्योर आरबीसी का साइज लार्ज मेच्योर आरबीसी का साइज स्मॉल अगर मान लो इंट्रेंसिक फैक्टर कैस्ट्रल नहीं रिलीज हो रहा तो विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन बी ट्वेल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा आरबीसी का मेच्योरेशन नहीं होगा तो मैक्रो साइज के आरबीसी आपके ब्लड में देखने को मिलेंगे जिनको मैक्रोफेज किल कर देंगे क्योंकि साइज एबनॉर्मल है पर उनके डेथ का मेन कॉज क्या है मैक्रोसाइज सुड इज कॉल्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया इट इज आल्सो कॉल्ड परनीसियस एनीमिया समझ गए होगे सारा पॉइंट ठीक है और एचसीएल डेफिशिएंसी और आर डेफिशिएंसी से माइक्रोसिटिक एनीमिया

ये क्लियर है बिल्कुल अल्कलाइन मीडियम दे दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है डायरेशन ऑफ स्टार्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं आगे बढ़ जाओ ऑप्शन अच्छा ऑप्शन देखो क्या आया इसमें बी ए ओनली ए एंड बी ओनली बी ओनली दे रखा है थर्ड आगे बढ़ो फटाफट अब समझना मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग यस मैमल्स के लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर समझते हो ना ऑलवेज एयर प्रेजेंट होती है ठीक है डिटेल में समझाया भी था थ्योरी के अंदर क्योंकि तो हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर जैसे मानो के सक्शन ऐसे सिरिंज ही ले लो ठीक है आगे उसके उसके ओपनिंग को बंद करो और उसके पिस्टन को पीछे खींचो तो वैक्यूम जनरेट हो जाएगा वैक्यूम के अंदर नेगेटिव प्रेशर और हाथ हटाओ तेजी से एयर अंदर जाएगी एयर मतलब पॉजिटिव से में तरफ जाती है तो वैक्यूम उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऑलवेज एयर प्रेजेंट होती है इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स ठीक है तो एब्सोल्युटली राइट right भाई फ्रॉग के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है बस ये ध्यान रखना द इंपल्स फॉर वॉलेंट्री ब्रीदिंग अब ध्यान रखना वॉलेंट्री जब भी वॉलेंट्री टर्म आए समझ जाना अंडरलाइन कर लो ठीक है आर सेंड बाय मेडुला बागेटाडोला ऑब्लॉन्गेटा एम मो ऑनली इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है वॉलेंट्री को नहीं करता एम मो ऑनली कंट्रोल ठीक है कैसे आप बोलोगे इन वॉलेंट्री एक्शन तो वॉलेंट्री ब्रीदिंग कौन कंट्रोल कर रहा है मैंने बहुत डिटेल में डायग्राम बना के समझाया भी था बेटा हमारा सेरीब्रम सेम नीचे क्या लगा हुआ है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा तो जब भी वॉलेंट्री ब्रीथिंग की बात आएगी ठीक है voluntary, तो वॉलेंट्री ब्रीथिंग के अंदर ध्यान रखना है आपको सिग्नल कहां जाएगा मेडुला ऑबलोंगेटा तब जाकर के ये ब्रीथिंग कंट्रोल होगी यानी सैरी भ्रम का रोल है ठीक है तो ये रॉन्ग हो गया द इंपल्स फॉर वॉलेंट्री ब्रीथिंग आर सेंड बाय मेडुला ऑबलोंगेटा ना ये सैरी भ्रम से ब्रम तो सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर मेडल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड एंड इनिशियल आर सपोर्टेड बाय द यस ट्रैकिया ट्रैकिया के बाद तीनों ब्रॉनका प्राइमरी सेकेंडरी सेकंड भी तीन होते हैं इनिशियल टर्मिनल और एस्पाटरी पर इसमें सिर्फ एक ध्यान रखना है इनिशियल एनसीआर लाइन है ओनली इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मिलते हैं ओनली इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक ठीक है शेप हाइलीन कार्टिलेस ऑनली इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक ठीक है तो बोला भी इसने क्या है सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड इनिशियल ब्रॉनक्यूल आर सपोर्टेड बाई एप्सल्यूटली राइट आगे देखो वॉल्यूम ऑफ यर रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफ आर सी एफ आर सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडअल कैपेसिटी क्या है भाई फोर्सफुल नहीं नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जो एयर आपके लंग्स में रह जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ठीक है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल जब फोर्सफुल निकाल दोगे जो रह गया उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं बट बोल क्या रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ना बेटा इसको फंक्शनल नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इस कंडीशन को बोलने वाले हम रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है हाउ मैनी तो गलत हो गया एक तरीके से यह भी ठीक है हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट हैं ठीक है तो इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री ब्रीदिंग ठीक है ये भी हो गया ठीक है ओनली टू स्टेटमेंट आ रहे हैं ए ऑप्शन आगे बढ़ो

नो no. ठीक है इंक्रीज इन पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ इन आर्ट्रियल ब्लड बिल्कुल सही इसके लिए सेंसिटिव होते हैं अभी समझा रहा हूं एक्सेप्ट हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे सेंसिटिव yes, होंगे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम हो जाएगा बॉडी में सीओ टू लेवल बढ़ जाएगा ये एक्टिवेट हो जाएंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा इंक्रीज इन एच एंड कंसेंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड यस तो एक्सेप्ट क्या हो गया एक्सेप्ट इसको छोड़ करके सबके लिए सेंसिटिव होते हैं तो ऑप्शन क्या जाएगा वन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एडीएच एंटी एंटीडाइरेटिक हॉर्मोन ठीक है क्योंकि देखो हॉर्मोन से क्वेश्चन बनते हैं बताइए आपको और रिप्रोडक्शन में भी हॉर्मोन से क्वेश्चन बनते हैं लास्ट वाले डिस्कशन में मैंने कराया भी था पूरा सिस्टम बता दिया था मैंने जो मैं लास्ट मैं करा चुका हूं वो मैंने था रिपीट नहीं किया ठीक है कोशिश है थोड़ा डिफरेंस मेंटेन करके रखें जिससे कि जितने भी हम आपको करा रहे हैं प्रश्नकाल में उनसे मैक्सिमम पेपर आपको मिल जाए ठीक है तो अगर सेम रिपीटेशन हर पेपर में कर देंगे आप समझ रहे हो ना तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ठीक है ना वेरिएशन नहीं मिल पाएगा तो एडीएच कैन इंक्रीज अब एडीएच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन कब इंक्रीज होता है जब आपका जीएफआर कम हो जाए ठीक है जब आपका कह सकते हो जीएफआर बढ़ाने का काम करता है ठीक है तो पूछ क्या है? एडीएच कैन इंक्रीज क्या क्या इंक्रीज करेगा यानी जब जी एफ आर कम होता है तो जीएफआर को ये इंक्रीज करता है जीएफआर को इंक्रीज कब करेगा जब यूरिन से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जो कर ले यानी यूरिन वॉल्यूम को क्या कर देगा ये कम कर देगा मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करके <laughs> इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज भाई जीएफआर बढ़ने का मतलब यह ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ठीक है चलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो बढ़ जाएगा मेरी बात समझ रहे हो ये बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो बढ़ जाएगा यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लो बढ़ रहा है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा ठीक है ब्लड ऑसमोलरिटी घट जाएगी भाई वापस पानी अंदर मिलना चालू हो गया यानी फिर से मीडियम डाइल्यूट होना चालू हो गया तो ऑस्मोलरिटी कम होना चालू हो रही है घट जाएगी जीएफआर बढ़ जाएगा तो जीएफआर बढ़ेगा तभी तो ग्लोमेरुलर फ्लो बढ़ेगा भाई ये बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा ठीक है ये दोनों बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मतलब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लूड भी बढ़ रहा है ऑस्मोलोरिटी घट रही है यूरिन वॉल्यूम घट रहा है ठीक है तो पूछा क्या है इंक्रीज इंक्रीज किसको कर रहा है भाई कैन इंक्रीज ए को इंक्रीज कर रहा है सी को इंक्रीज कर रहा है डी को इंक्रीज कर रहा है और एफ को इंक्रीज कर रहा है तो एसीडीएफ ए सी डी एफ मिल गया ए सी डी एफ नेक्स्ट विच सेगमेंट डज नॉट प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पी एच एन आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन एनसीआरटी की लाइन है ठीक नेफरन में पी डीसी और कलेक्टिंग डक्ट ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर आप बोलोगे पीएच को मेंटेन करने में और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ठीक है ऑफ सीक्रेशन किसके कर रहे हैं एच आइन अमोनिया पोटेशियम एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आप समझ जाओगे रीअब्जॉर्न किस किसका हो रहा है सोडियम क्लोराइड आयन का हो रहा है ठीक है बाई कार्बोनेट आइन का हो रहा है जो पीएच मेंटेन में हेल्प कर रहा है ठीक है, है तो इसकी हेल्प से ये तीनों ही पार्ट part पार्टिसिपेट करते हैं पर लूप ऑफ लूपे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता वो तो सिर्फ काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है यानी आप कह सकते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करने का मतलब है वो भाई यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है चलो ये वाली बात तो एकदम क्लियर है तो विस सेगमेंट डज नॉट प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस तो हैनले लूप हैनले लूप बी ऑप्शन नेक्स्ट आइडेंटिफाई ए एंड ई इन द गिविंग फिगर अब ए और ई को आइडेंटिफाई करो फटाफट ए क्या है ए एंड ए टू ई ऐसे सारे दे रखा है ए टू ई चलो ठीक है भाई ये तो समझ में आ गया यूरेथ्रा ठीक है यूरेथ्रा दे रखा है उन्होंने ई e में ई e में यूरियस रखा है ठीक है ई के e बाद डी देखो डी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है सी यूरीटर ठीक है फिर इधर आ जाओ ये बाहर वाला पार्ट क्या होगा कॉर्टेक्स ठीक है अंदर ये एरो यहां से दिखा रहा है ये पैल्विस रीजन हो गया ठीक है तो ए पैल्विस दो में पैल्विस आ रहा है ठीक है बी मेडुला कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स यही सॉल्व हो गया ए गलत हो गया सब रॉन्ग है ओनली बी ऑप्शन ठीक है आपका देखो मिसमैच ढूंढना है एडलिन ठीक है प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी यस एड्रिन कॉटेक्स का जो मिडिल मिडिल वाला पार्ट होता है ठीक है आप समझ रहे हो उसको क्या बोलते हैं मेड्यूला मेडुला इमरजेंसी हॉर्मोन एड्रीन और एड्रपिनेफ्रिन बोल सकते हो रिलीज करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी ठीक है ड्यूरिंग इमरजेंसी दोनों का फंक्शन लगभग एक ही होता है ठीक है तो ठीक है एप्सोल्यूटली राइट कॉटिसोल कॉटिसोल भाई एड्रिनल ग्लैंड का ग्रैंड से निकलने वाला पार्ट है कॉटेक्स में भी थ्री लेयर होते हैं सबसे आउटर लेयर मिनरलोकॉटिकॉइड ठीक है उसके नीचे ग्लूको कोटिकॉइड्स उसके नीचे आप बोल सकते हो सेक्स समझ रहे ना मेरी बात यानी जोना ग्लोमेडो जोना फेसिकुलेटा जोना रेटिकुलरिस ठीक है जिसमें जो ग्लूको कॉटिकॉइड होते, है, है होते हैं ऐसे मिनरेलोकॉटिकॉइड मिनरल यानी एल्डोस्टोन की बात कर रहा है ग्लूकोकॉटिकॉयड ग्लूकोस यानी ग्लूकोस के लेवल को मेंटेन करने में यानी स्ट्रेस हॉर्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? और कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, लिए होता है ठीक है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो cortisol, के पे काम करता है ठीक है कॉटिसोल की फॉर्म है कॉर्टिसन एक ही बात है ठीक है कॉटिसोल या कॉर्टिसन जनरल रेजिस्टेंस टू द लॉन्ग टर्म स्ट्रेस यस इसलिए इसको एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन भी बोलते हैं ठीक है कैल्सीटोनिन याद हो कैल्सिटोनिन ठीक है कर, कर सकते हो, तो कहां से निकलता है, -फॉलिकुलर सेल्स होते है, है पेरा -फॉलिकुलर, पेरा मतलब बाहर उसकी पैरिफ्री पर लगे हुए वो क्या रिलीज करते हैं था कैल्सिटोनिन या कैलसीटोनिन ये कह सकते हो ब्लड में कैल्शियम की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है ठीक है ऑस्मोलिटी बोल गया ठीक है होमियोस्टैसिस को मेंटेन करता है ठीक है यानी उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है या ऐसे कह सकते हो यह उसको कम करने का काम करता है अगर पीटीएच का हाइपर तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा यह ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है ठीक है तो कैल्शियम का मतलब उसको मेंटेन करना प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन एब्सोल्युटली राइट तो यही रॉन्ग होगा मिसमैच में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड ना बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और एक्ट ऑन एंटीरियर ठीक है उठरी वहां से समझ लो प्रोलेक्टिन निकलता है जो मेमोरी लैंड पर वर्क करता है ठीक है तो मिसमैच क्या होगा यहां पर फोर्थ इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लामेटरी डिसीज देखे होंगे कई लोगों के घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है नी पेन होता है ड्यू टू स्वेलिंग ठीक है अक्सर वहां डॉक्टर्स क्या लगाते हैं कुछ इंजेक्शन देते हैं या कुछ लोग ऐसे भी लोग देखे हैं जो मैंने डायरेक्टली नीज में इन एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं ठीक है तो ये इंजेक्शन किस चीज के होते हैं कॉटी सोल कॉटिसोल भाई अभी बताया ना कॉटिसोल ठीक है यही कॉटिसोल बेटा एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेसर काम करता है तो इंफ्लामेशन किस वजह से हो रहा है ठीक है या कह सकते हो यहां पर हाइपर सेंस कह सकते हो ना मेरी कई कई चीजें होती है अगर आपकी इम्यूनिटी हाइपर हो जाए तो उसको सप्रेस करने में यानी एंटी एलर्जिक भी होता है एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है तो बहुत सारी जगह यूज करते हैं इस कॉटिसोल को ठीक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर भी इम्यूनिटी सप्रेस करनी होती है यानी हाइपर इम्यूनिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके केस में आप कॉटिसोल यूज करोगे ठीक है तो ग्लूकोकॉटिकॉइड्स एटर्नोलिन पैरा नहीं ओनली ग्लूकोकॉटिकॉइड्स कॉटी फर्स्ट नेक्स्ट देखो एनसीआरटी ने दो ही डायग्राम दे रखे हैं एक मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर ठीक है और एक डायरेक्टली डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से प्रोटीन वाले हार्मोन बाइंड करेंगे और डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर से ठीक है ऑलवेज कह सकते हो लिपिड सॉल्युबल जो डायरेक्टली अंदर एंटर कर लेते हैं वो बाइंड करेंगे तो अब इसमें ढूंढना क्या है आपको प्रोटीन बाउंडेड एंजाइम सॉरी अब प्रोटीन मतलब प्रोटीन नेचर वाले हॉर्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं अब कौन से नेचर के होते हैं ऐसे याद रखना स्टोरइड कैसे याद रखोगे ठीक है ऐसे सॉरी लिपिड सॉलिबल कैसे याद रखोगे

प्लाज्मा प्लाज्मान तो आप कह सकते हो इनके भी इंट्रासेल रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है तो आप यहां प्रोटीन की बात कर रहे हैं एफ एस एच प्रोटीन है एलएच प्रोटीन है एस्टाडायोल प्रोटीन नहीं है स्टेरॉइड इंसुलिन प्रोटीन है एड्रनलिन नॉर एड्रन प्रोटीन है एफ एस एच प्रोटीन है तो यही सही हो गया प्रोलैक्टिन प्रोटीन है ठीक है नॉर एड्रनोलिन एड्रनोलिन प्रोटीन है टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन नहीं है कॉर्टिसोल प्रोटीन नहीं है स्टेरॉइड है थायरोक्सिन ठीक है प्रोटीन होता है पर ये भी क्रॉस करने में एल्डोस्टेरॉन ठीक है ठीक है ये पूछ एल्डोस्टोरॉन ठीक है एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन ठीक है ये भी नहीं है समझ में आ गया तो तीनों ही प्रोटीन नेचर के आपको रिस्पॉन्सून विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है सेट ऑफ हार्मोन रिप्रेजेंट या परफॉर्मिंग गिविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कौन इसको रिप्रेजेंट करने वाला है सेकेंड ऑप्शन विच ऑफ द फॉलिंग कवर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द ह्यूमन सेरिबल कॉटैक्स तो हमारी कॉटेक्स के अंदर थ्री टाइप के रीजन बताए थे मैंने आपको सेंसरी एरियाज मोटर एरियाज और मैक्सिमम एरियाज क्या थे अब लोग एसोसिएशन एरियाज ठीक है जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं ठीक है एसोसिएशन मतलब सबके बीच में कम्युनिकेट करते हैं और जो एक्चुअल में कह सकते हो कि रीजनिंग के टाइम पर जो एक्टिवेटेड होते हैं वो यही एरियाज होते हैं ठीक है जो कंक्लूजन निकालते हैं वो यही एरियाज होते हैं मैक्सिमम हमारे सेलिबल कॉटेक्स में एसोसिएशन एरियाज होते हैं ठीक है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर मैक्सिमम एरिया कौन से होते हैं एसोसिएशन एरिया सेंसरी मोटर कम होते हैं रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट फटाफट देखो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं दुमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सी एन एस टू स्कम एनसीआरटी की लाइन है ठीक है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी ये होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल कहां जाएगा या तो वॉलेंट्री ऑर्गन ठीक है या इनवॉलेंट्री ऑर्गन वॉलेंट्री ऑर्गन में स्कैल्टल मसल्स आ गए इनवॉलेंट्री ऑर्गन की बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गन आ गए ठीक है सीएनएस सिग्नल ठीक है न्यूरल सिस्टम। अच्छा यहां पर सिग्नल लेके जाए, ले जाएगा कौन लेके जाएगा एस एनएस यहां पर कौन लेके जाएगा ए दोनों को मिला के हम कॉमनली क्या बोलते हैं पी एन एस पीएनएस के अंदर दो पार्ट होते हैं एस एन एस और एएनएस ठीक है स्वमेटिक न्यूरोम रिले इंपल्स फ्रॉम द सी एन एस टू स्ट्रेटल मसल एप्सोल्यूटली राइट पूछा क्या है ठीक है हाउ मैनी ऑफ देंट आर करेक्ट ठीक है करेक्ट है दूरल सिस्टम ए एन एस ठीक है ट्रांसमीट इंपल्स फ्रॉम सी एन एस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स यस एप्सोल्यूटली राइट आपके सामने ऑटोनॉमिक न्यूरोम इज क्लासिफाइड इंटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिकस एन एस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सिंपे एंड पैरा दो में डिवाइड हो गया ठीक है एप्सोल्यूटली राइट न्यूरल सिस्टम ठीक है नेक्स्ट आ जाओ सीएनएस इज डिवाइडेड इंटू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम गलत भाई सीएनएस में तो ब्रेन स्पाइन कोट आता है ठीक है पीएनएस डिवाइडेड इंटू ऑटोनॉमिक

ये आप समझ ही रहे ऑडिटरी नव जो सीधे ब्रेन में जाएगी ठीक है चलो डी 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 नीचे इसके अलावा टिम्पेनाए फिल्ड विद एंडोलिम्फ ठीक है भाई इसके अलावा बैस्टूलाय टिम्पेनाए पर पेरिलिम्फ से भरी हुई होती है एंडोलिम्फ नहीं होता क्या करने वाले उसके केस में आप आपिंफ नहीं होता एंडोलिम्फ होता है गलत इसके अलावा मीडिया सी इसके अलावा मीडिया एप्सोल्यूट लाइफ फिल्ड विथ पेरिलेम भाई एंडो होता है इसके अंदर पेरी नहीं होता एच सॉरी बी बी कहाँ है ठीक है हेयर सेल है ठीक है प्रेसिंग अंगेज द टेक्टोरल मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड यस भाई सीधी सी बात है बेसलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है वाइब्रेशन जब इंपल्स आते हैं तो इन वाइब्रेशन की वजह से ये हेयर सेल टेक्ट्रोल मेम्ब्रेन से प्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इसके सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये सीधा नर्व कहां पर सिग्नल ब्रेन में लेकर के जाती है हेयरिंग मैकेनिज्म में दे रखा है एप्सोल्यूटली right. राइट ए रिसनर्स मेम्ब्रेन ए रिसनर्स टेक्ट्रोल मैमब्रेन रिसनर्स नहीं है ठीक है मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑडिटरी रिफ्लैक्स गलत एब्सोल्यूटली रिस्नस तो एक रूफ बनाने का काम करती है किसका आप लोगों कॉकलिया का सी ठीक है देखो नेक्स्ट देखो मैक्यूला ल्यूटिया आपको ध्यान हो आपकी रेटिना यानी एंड पोस्टीरियर साइड पर जो येलो कलर का स्पॉट होता है ठीक है उसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं क्योंकि ल्यूटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता येलो है येलो स्पैच ठीक है उसके सेंटर में फोबिया सेंट्रलिस मैक्यूलर ल्यूटिया में तो रोड एंड हैं, पर फोबिया सेंट्रलिस में ओनली और ओनली ध्यान रखना है आपको कॉन्स होते हैं वो भी ऑब्लिकली अरेंज होते हैं ध्यान रखना इसीलिए ध्यान रखना है आपको अगर मैं फोबिया सेंट्रलिस की बात करता हूं तो इसकी विजुअल एक्विटी सबसे ज्यादा होती है रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा होती है ठीक है क्योंकि तो यहां कौन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है और कौन सी नॉर्मली ज्यादा होती है से ठीक है ल्यूटिया येलोइश पिगमेंटेड एरिया लोकेटेड लेटरल टू ठीक है ब्लाइंड स्पॉट एट द पोस्टीरियर पोल यस पूछा क्या है इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट है एब्सोल्युटली एनसीआरटी की डेट तो लाइन ही है पूरी ठीक है आगे देखो विट्रस चैंबर्स स्पेस भाई आप जानते हो दो चैंबर होते हैं एक लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ठीक है और एक लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस आगे जो होगा वो लिक्विड होगा जो कहीं ना कहीं कॉर्निया या लेंस या ए वेस्कुलर पार्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा पीछे एक जेल है मेंटेन करने का काम करेगा ठीक है तो स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना विच इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल सीक्रेट बाय दिल्य बॉडी प्रोसेस यस एप राइट

कंजेक्टिवा है ठीक है तो कंजेक्टिवा ट्रांसपेरेंट एंड नॉन वेस्कुलर जबकि वेस्कुलर होती है एपीथिलियम दैट कवर एक्सपोज पार्ट ऑफ स्क्लेरा ध्यान रखना नॉन वेस्कुलर नहीं, वेस्कुलर होती है हाईली वेस्कुलर रेड रेस रेड जो वेस्ट नजर आते हैं वो कंजेक्टिवा में भी आते हैं ठीक है नेक्स्ट ए फिफ्टी

अगेन सेकेंड so हो गई तो अब एक स्परमेटेड से कितने बनेंगे ठीक एक ही बनेगा क्योंकि तो हाफ होते जा रहे ना कंटिन्यू ठीक है भाई नंबर तो आधा हो गया पर डिवीजन भी तो दोबारा डबल डबल हो रही है पर डिवाइड नहीं करते इसलिए एक स्परमेटेड से एक ही स्परमेटो जो बनेगा फिफ्टी से फिफ्टी ही बनेंगे टू एवॉड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी वी वुड अब आप चाहते हो कि एस को एवॉइड करो तो एनसीआर में कोई एक पैरा दे रखा है डायरेक्टली पूछा जाता है ठीक है एवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर यस अगर डी एवॉइड करने हैं तो मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करना पड़ेगा ऑलवेज हैव हैव अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेक्स ऑलवेज गलत भाई तो तो हो जाएगा यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्विटस यस एवॉइड सेक्स विद अनोन पार्टनर ठीक है बिल्कुल एवॉड करो नहीं जानते हो तो जानतेड करो एवॉइड शेयरिंग ऑफ निडिल यस yes, एवॉइड करो क्योंकि निडल शेयरिंग करने से ड्रग लेने से भी ये एसटीडी ट्रांसमिट होते हैं इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डायरेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्टिक विद दिस इज एब्सिल्यूटरी डाइट ठीक है तो इसमें वन थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है मिल गया हमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा पूरा एनसीआरटी का ही है बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रीवेंट ओबल्यूशन वा है। पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो तो इन पिल्स में या कोई भी डिवाइस में जो आप लेते हो उसमें मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करता है वो प्रोजेस्ट्रोन होता है ठीक है प्रोजिस्ट्रॉन का लेवल अगर आप बढ़ा दोगे ठीक है तो तुरंत ही नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा जीएनआरएच के सीक्रेशन को ब्लॉक करेगा और लेवल बढ़ेगा तो जीएनआरएच नहीं और एल नहीं निकलेंगे और एलएचएफएसएस नहीं निकलेंगे तो सारा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा भाई यही तो सब कुछ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है यानी अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हॉर्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ली तो जो हॉर्मोन होगा उसके अंदर उसमें मेन कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करने वाला जो हॉर्मोन होता है वो प्रोजिस्ट्रॉन होता है ठीक है तो प्रोजिस्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा हाइपोथैलेमस जीएनआरएस के सिक्रेशन को रोकेगा और जीएनआरएच हीट तो करता है LH और दोनों नहीं निकलेंगे, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा रिलीज ऑफ एफएसएस एस एच एब्सोल्युटली राइट पूरी मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी लास्ट क्लास में नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ एलएनजी एन ट्वेंटी विद इन भाई एलएनजी जी ट्वेंटी याद हो आपको लीव ओ ठीक है सर्ट एनसीआर की लाइन है ये हॉर्मोन कंटेनिंग डिवाइस है ठीक है हॉर्मोन कंटेनिंग ठीक है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिनको हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं ठीक है इनमें मेनली प्रोजिस्ट्रॉन होता है अगर 72 टू आर के अंदर बहत्तर घंटे के अंदर ठीक है आप किसी भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यूट्रस के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव की तरह वर्क करती है ठीक है एनसीआरटी की लाइन है सब एज द इमरजेंसी कॉन्ट्राप्टिव एनसीआर की डायरेक्ट लाइन है एल 20 ट्वेंटी ओ ठीक है बहत्तर घंटे प्रोजेक्ट कंटे नहीं है बहत्तर घंटे सेवेंटी टू आवर्स के अंदर अगर आप यूट्रस में इम्प्लांट कर दोगे विच सब एज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनरल डिसीज तो पहले पता होनी चाहिए विनरल डिसीज क्या होते हैं ठीक है ठीके?

बाय ब्लड कॉन्टैक्ट तो आप समझ गए होगे अब देखो गोनोरिया बैक्टीरियल डिसीज है नाइजीरिया गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरियल डिसीज है ठीक है ट्रिपोरिमा पैलेडियम ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोन डिसीज है ठीक है और हेपेटाइटिस यस वायरल डिसीज है और एसटीडी में इंक्लूडेड भी है ठीक है तो इसमें क्या जाएगा? Fourth option आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन एप्सोल्यूटली राइट वायरल पूछिए फोर्थ ऑप्शन आ गया

समझ है मेरी बात और उस समय पॉल्यूशन नहीं था यानी यहां जब पॉल्यूशन नहीं था तो प्लांट के ट्रंक पर व्हाइट लाइकिन हुआ करते थे लाइकिन उस समय मॉथ दोनों टाइप के थे व्हाइट भी थे ब्लैक भी थे पर ब्लैक मॉथ ब्लैक होते हैं ड्यू टू मिलेनियन पिगमेंट और मिले पिगमेंट को बनाने के लिए एक जीन होता है वो डोमिनेंट होता है तो एक्चुअल में उस समय एटमोस्फियर में ब्लैक मॉथ ज्यादा होने चाहिए थे क्योंकि उसका जीन डोमिनेंट है बट यहां पर जेनेटिक सेलेक्ट नहीं कर रही है यहां सेलेक्ट कर रही है नेचर नेचर में इंडस्टलाइजेशन नहीं हुआ था प्लांट के ऊपर व्हाइट लाइकिन लगे हुए थे तो व्हाइट मॉथ भी बैठते थे उनके ऊपर ब्लैक भी बैठते थे तो व्हाइट वाले तो हाइट हो जाते थे व्हाइट व्हाइट मैच कर गया और ब्लैक वाले दूर से दिखते थे तो जितने भी इंसेक्टिवरस बर्ड्स थे तो ब्लैक मॉथ को तो खा जाते थे व्हाइट बच जाते थे व्हाइट का नंबर ज्यादा था ब्लैक का नंबर कम था दोनों थे पर ब्लैक का नंबर कम था तो यहां ब्लैक डोमिनेंट होते हुए भी समझ रहे नंबर कम है क्योंकि जेनेटिक सेलेक्ट नहीं कर रही है नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है बेटा ठीक है तो यहां रखना है व्हाइट वन एट फाइव जीरो की बात है और जब वन नाइन टू जीरो की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा व्हाइट कम हो जाएंगे ब्लैक ज्यादा हो जाएंगे ठीक है तो क्योंकि लाइक इन हट जाते हैं तब ब्लैक वाले हाइड हो जाते हैं ट्रंक से और व्हाइट वाले ठीक है कैप्चर हो जाते हैं उन इंसेक्टिवरस बर्ड्स के थ्रू तो व्हाइट विंग एंड डार्क विंग मॉथ आर इक्वल इक्वल तो कोई भी नहीं थे देयर वर मोर डार्क विंग भाई डार्क विंग मोर हुए थे वन नाइन टू जीरो में देयर वर ओनली व्हाइट विंग्स मॉथ ओनली नहीं थे ठीक है दोनों थे देयर वर मोर वाइट विंग्स मॉथ ऑन ट्री देन डार्क विंग यस एब्सोल्युटली राइट वाइट ज्यादा थे 1850 की बात है इंग्लैंड का केस है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द ठीक है प्राइमेट्स फॉसिल्स गिविंग इन कॉलम ठीक है और कॉलम फर्स्ट विद देयर

फिर आए होमो इरेक्टस कंप्लीटली इरेक्ट हो गए थे इरेक्शन तो हो होमो कहां से ऑस्ट्रेलोपेथेकस फिर होमोहैब और उठ गए थे इरेक्टस बिल्कुल सीधे हो गए थे ठीक है इरेक्टस और इरेक्टस के अंदर ही आते हैं जावा ठीक है पैकिंग हिडलबर्ग सब इरेक्टस में आते हैं ठीक है फिर उसके बाद चालू हुआ था मॉडर्न मैन और मॉडर्न मैन की बात करते हैं तो थ्री ध्यान रखने आपको नियंत्रन और होमोसैपेपेन्स अगर क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामाशिवा तो क्रेनियल कैपेसिटी 500 से नीचे ही थी ऑस्ट्रेलैकस 5 से 700 तक देखने को मिलती है फिर होमोहैब आप कह सकते हो मैग्जिम कह सकते हो सेवन से एट यहां तक देखने को मिलती है होमो एरेक्टस नाइन ठीक है तक देखने को मिलती है सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में ठीक है उसके बाद और आगे बढ़ते हैं यानी मॉडर्न मैन आ गया और मॉडर्न मैन की अगर बात करते हैं तो नेटीन 1400 के आसपास प्रोमैग्न सिक्सटीन के आसपास अगेन ठीक है सेपियंस फोर्टीन हंड्रेड के आसपास समझ गए ना मेरी बात तो सिक्वेंस में आ गया किस तरीके से क्या तो होमोहैबलिस होमोहैबलिस पूछा क्या है करेक्ट पूछा है ना होमोहैबलिस की बेटा मैंने बताई थी ये है करेक्ट होमोरेक्टस करेक्ट ये है तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गए मैचिंग इनकरेक्ट हो गए दोनों की ठीक है एब्सोल्युटली राइट right. अभी बताया मैंने नियंत्रथ का यही होता है ठीक है होमोसैपियन की गलत हो गई क्योंकि होमोसेपियंस की भी क्या होती है वन फोर डबल जीरो आसपास इसी के आसपास क्रोमैग्न की सबसे ज्यादा थी सिक्स वन सिक्स डबल जीरो या वन सिक्स फाइव जीरो के आसपास ठीक है तो ये भी रॉन्ग हो गया तो एप्सोल्यूटली करेक्ट कौन सा मैच है इसके अंदर थर्ड वाला चलो आगे बढ़ते हैं मैंने बताया था हार्डी विनवर इक्वेशन पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है हार्डी विनवर इक्वेशन की बात करते हैं तो हार्डविन हार्डी साहब ने क्या बोला कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर समझना जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है उसके लिए इक्वेशन बनाई उन्होंने क्या बनाई ठीक है उन्होंने बताया पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इजल टू वन होता है यस yes, मैं इस तरीके से भी बोला उन्होंने कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इजल टू वन होता है या से भी बोला p प्लस क्यू इजल टू वन होता है उन्होंने बताया ये क्वेश्चन वन होगी शर्त है कि इस पॉपुलेशन के ऊपर फाइव फैक्टर मैंने बताए थे जो एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए ठीक है ए वन टू थ्री फोर एक ज्यादा बोल दिया फाइव फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए और एक फैक्टर एप्लीकेबल होना चाहिए ठीक है फाइव फैक्टर में आइसोलेशन मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए ठीक है माइग्रेशन नहीं होना चाहिए जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए ठीक है और क्या बचा नेचुरल सिलेक्शन हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया ठीक है सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए रैंडम मेटिंग होनी चाहिए रैंडम मेटिंग होगी ठीक है तो हेड्रोजाइकोसिटी बढ़ेगी ठीक है या कह सकते हो हमेशा देना अगर सेलेक्टिव मीटिंग होगी तो दिक्कत होती है ठीक है पड़ती है है रैंडम मीटिंग और ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है तो कह सकते हो कि उस पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू ये ठीक है यानी नया जीन एड नहीं करेगा इनके हिसाब से ठीक है नया जीन ऐड नहीं करेगा तो इक्वेशन वन रहेगी यानी अगर कह सकते हो इक्वेशन वन है तो ये इंडिकेटर है कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा उस पॉपुलेशन में ठीक है और इक्वेशन वन नहीं है तो इंडिकेटर है कि इक्वेशन डाइविएट कर रही है तो इवोल्यूशन हो रहा है पर एक्चुअल में तो ये इक्वेशन कभी बन हो ही नहीं सकती क्योंकि ये फैक्टर तो एप्लीकेबल होंगे ही ऑलवेज तो भाई एक पॉपुलेशन है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन तो होगा हो ही होगा ठीक है जीन फ्लो माइग्रेशन तो होगा हो ही होगा उसके अंदर ठीक है ठीक है उसमें समझ रहे हो ना मेरी बात जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होने की प्रोबेबिलिटी है नेचुरल सिलेक्शन तो चल ही रहा है ना हर समय तो ये सारे फैक्टर तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे ठीक है पर शर्त है उन्होंने कहा एप्लीकेबल नहीं है तो इक्वेशन मेरी बन होगी ठीक है और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए अब समझ में आ गया चलो अब इन्होंने बताया पी क्या है क्यू क्या है आर क्या है जिस कोई भी करेक्टर उसके लिए आप समझ रहे हो ना मेरी बात भाई बातिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए ये उन्होंने बोला तब वन होगी तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी पता तो नहीं चाहिए क्या होते हैं क्यों करेक्टर के लिए समझ एक एक डोमिनेंट होता होता है एक होता है ठीक है रिसेसिव ठीक तो कॉम्बिनेशन क्या आएंगे यानी आप समझ रहे एक जीन तो कहां से आएगा मेल से आएगा एक कहां से आएगा फीमेल से आएगा दो जीन आते हैं ना तो इनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा या तो जैसे मान लो इन्होंने दे रखा है दोनों कैपिटल लेटर हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है एक डोमिनेंट जीनो एक रिसेसिव जीनो स्मॉल दिखाते हैं एन से दिखा रखा है इन्होंने ठीक है अच्छा इन्होंने एम एन से दिखा रखा है हम हम ऐसे दिखा देते हैं ठीक है एम और एन एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है या ऐसे भी हो सकता है यहां पर टू एम एन ठीक है कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको आप स्क्वायर इसको क्यू स्क्वायर इसको टू पी क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो तो एक तरीका है उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई भी जीन है उसको कॉम्बिनेशन तीन हो सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है ये एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से इक्वेशन बनाई और उन्होंने बताया कि इन जीन की जो फ्लो होने की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी वन रहेगी पर शर्त फाइव फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए एक फैक्टर एप्लीकेबल होना चाहिए रैंडम मेटिंग होनी चाहिए तो ये चीज मेरी फिक्स है ठीक है अब इसके हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन बनाया अब क्वेश्चन देखो फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप ठीक है सिस्टम द फ्रीवेंसीक्वेंसी दे रखी है एम का मतलब है Q दे रखा है क्यू कितना दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन ठीक है और एन दे रखा है एन मतलब सॉरी क्यू मतलब नहीं पी एम कैपिटल क्या हो गया पी हो गया कैपिटल पी ठीक है पी दे रखा है इन्होंने पी कितना दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन ठीक है क्यू दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री ठीक है एक्सपेक्टेड एम एन अब पूछा क्या टू पी क्यू पूछा है निकाल दो टू पी क्यू अब पी है क्यू है तो टू पी क्यू निकाल सकते हो टू इंटू पी कितना है पी दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट थ्री ठीक है करो इनका इंटू इनका इंटू करोगे तो निकाल कितना आएगा जीरो पॉइंट फोर टू परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा इंटू हंड्रेड कर दो हंड्रेड कर दो तो कितना आ जाएगा फोर्टी टू परसेंट सिंपल है क्वेश्चन सिंपल पी और क्यू आइडेंटिफाई करना है पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लिया आपने ठीक है क्वेश्चन सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप ठीक है पीसीआर भाई तीन स्टेप हैं एक तो क्या होता है डी नेचुरेशन जब 95 डिग्री सेल्सियस होगा ठीक है तो 95 पर डीनेचुरेशन पहले ही दे रखा है इन्होंने। 95 पर डीनेचुरेशन होगा ठीक है फिर टेम्परेचर मत, मत भूल जाना ठीक है, अब लगभग 50 से 60 तक नाइन्टी डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन होता है लगभग फिफ्टी टू 60 पर एनेलिंग यानी प्राइमर का जुड़ना और पॉलीमराइजेशन एंड एक्सटेंशन पे होगा सेवन सेवेंटी टू पर तीन टेम्परेचर ध्यान रखने हैं तीनों स्टेप ध्यान रखने हैं ठीक है रखनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना एनेलिंग ठीक है प्राइमर का जुड़ना एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन ठीक है रेप्लीकेट हो जाना मतलब एक से दो स्टैंड का बन जाना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट व्हाट वुड इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज

प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक blue कलर कॉलोनी Blue कलर क्यों आएगी सही होगा तो ब्लू कलर आएगा द रिकॉमेंट कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर यस जब भी क्वेश्चन में बोथ टाइप का दे रखा हो तो धैर्य से चारों ऑप्शन पढ़ो ठीक है आराम से चारों ऑप्शन पढ़ना कभी कभी धोखा देने के लिए भी होता है ऐसा नहीं है कि ये दे रखे हैं तो सही हो ठीक है धोखा देने के लिए भी है तो चक्कर मत पड़ जाना चारों पढ़ना और जो ब्रेन करें वो सॉल्व करना ठीक है कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता है तो उल्टा पढ़ना चालू करना क्या क्या नहीं हो सकता नहीं होता तो ये बच्चे का तो ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप करना नहीं तो छोड़ देना ठीक है चलो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज फॉर द मेकिंग द बैक्टीरियल सेल competent? एनसीआरटी ने देखो competent सेल दे रखा है लास्ट में ठीक है तो पहले दे ही रखा है कि अगर आप किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट को एंटर कराना चाहते हो तो क्या करोगे पहले सोल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डाल दो ठीक है कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके डी डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है दोनों तो मिल जाएंगे और फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दो 42 टू देन आइस पोर साइज बढ़ता है और ये तुरंत एंटर कर जाता है तो so, ये मेथड एनसीआर में दे रखा है so, treating with specific ions of the, है cation. है ठीक ठीक का यूज करते हैं ठीक है ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ monovalent ion ना ठीक है हीट शॉक यस तो आप पिल गया आपको बोथ तो बोथ आ गया तो आप आराम से शॉक ट्रीटमेंट देते हैं ठीक है चलो ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए ठीक है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ठीक है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए मैंने बताया था जब डीएनए आइसोलेट करते हैं तो दिखता नहीं है उसको प्रेसिपिटेट को देखने के लिए आप चील्ड इथेनॉल डाल दोगे तो तुरंत तो तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा फिर लूपिंग मेथड से उसको ठीक है अलग कर लेंगे आप चील इथेनॉल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इन टू कैंसर सेल जल्दीबाजी में बच्चा एग्रोबैक्टीरियम लगा देगा तो okay, 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 okay. तो ठीक है अपने हिसाब से तो मैंने ठीक है कोशिश की है कि बेहतर तरीके से सारा कॉम्बिनेशन हो जाए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी एड हो जाए इसके अंदर ठीक है और अगर अगर एक ऑप्शन और मिलता है मुझे ठीक है एक मॉक टेस्ट और मिलता है क्योंकि पेपर भी आ चुका है आपका तो मैं कोशिश करूंगा इस बार बिल्कुल नीट पैटर्न से 45 क्वेश्चंस होंगे जिस चैप्टर से जितने होने चाहिए उतने होंगे जिस चैप्टर से जितना समझ रहे वेटेज है और जहां से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी रहती है तो उतना कैसे कोशिश तो मैंने हर अपने मॉक टेस्ट में की है हर मॉक टेस्ट में यही कोशिश की है आप समझो या ना समझो मुझे नहीं पता ठीक है क्योंकि तो बस अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि हाँ बच्चे को वो सारी वेरायटीज मिल जाए जो नीट में क्वेश्चन आने की प्रॉबीबिलिटी रहती है ठीक है तो मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट एक लास्ट वाला अगर हो सकता है कंडीशन में डिपेंड करता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है अगर मुझे मिल गया एक लेक्चर तो उसमें हम बिल्कुल नीट पैटर्न से 45 क्वेश्चन रखेंगे जिस चैप्टर से जितना वेटेज है उतने ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड और क्वेश्चन सारे हम एनसीआरटी बेस्ड ही लेके चले हैं शुरू से आज तक ठीक है तो बस बी कॉन्फिडेंट ठीक है बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो एकदम कूल cool रहो चील रहो एकदम ठीक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो होगा अच्छा होगा ठीक है और एकदम क्योंकि इस समय जब चील रहोगे ना तो आप अच्छी समझ रहे हो बैटिंग करोगे समझ गए ना मेरी बात और जहां प्रेशर ले लिया तो बैटिंग बिगड़ जाएगी ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम में जो एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन चील होकर के ढंग से बैटिंग ठीक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ध्यान रखना मेरी बात एक नहीं पचास ऑप्शन हमारे पास है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में ठीक है बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास ठीक है अगर कहीं किसी कारण वन परसेंट नेगेटिव होता है तो नहीं तो अभी तो पॉजिटिव रहो जम के खेलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट